नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले ICAR की तरफ से जो टेक्नीशियन ग्रेड वन का एग्जाम लिया गया था, यानी कि स्टार्टिंग में 641 वैकेंसी थी, उसके बाद में लगभग पदों को बढ़ा करके 800 के आसपास में कर दिया गया था। दोस्तों दो तीन दिन पहले ही ICAR की तरफ से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और बताया गया कि इनकी तरफ से जो फरवरी लास्ट में और मार्च के स्टार्टिंग में टोटल 4 दिन जो एग्जाम हुए थे टोटल 12 शिफ्टों के अंदर, उन सभी एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, री एग्जाम होने वाला है। तो उस पर मैंने वीडियो बनाया था, तो काफी सारे बच्चे कमेंट कर करके पूछ रहे थे और काफी सारे बच्चों को डाउट था कि ये री एग्जाम है वो किन बच्चों का होने वाला है, किन किन को इनमें शामिल करेंगे, री एग्जाम कब तक हो सकता है। और उसके बाद में इस नोटिफिकेशन में एक टायर 2 एग्जाम के बारे में जिक्र किया गया था, तो उसके बारे में भी बच्चों की क्वेरी है भाई ये टायर 2 एग्जाम है ये किस प्रकार का होने वाला है, कौन से बच्चों का होने वाला है। तो आज के इस वीडियो के अंदर पर इन्हीं सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। जो बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। सभी प्रकार की सरकारी भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल आप जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इनकी तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें निकल के सामने आ रही थी। पहली चीज तो ये थी भी एग्जाम कैंसिल करने को लेकर के इन्होंने चीजें बताई और किन किन बच्चों का री एग्जाम होने वाला है उसके बारे में। देखिए भी पहला जो इन्होंने जो ऊपर का पैराग्राफ दे रखा है उस नोटिफिकेशन के अंदर उसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है जितने भी एग्जाम हुए वो सभी एग्जाम इनकी तरफ से कैंसिल कर दिए गए और साथ ही ये इन्फॉर्मेशन दी गई है भी कौन कौन से बच्चों का री एग्जाम होने वाला है। देखिए री एग्जाम के बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है यानी कि 28 फरवरी को और उसके बाद में 2 मार्च को, 4 मार्च को और 5 मार्च को, मेरे हिसाब से ये टोटल 4 दिन एग्जाम हुए थे। तो जो बच्चे इन एग्जाम को अटेंड किए हैं उन्हीं बच्चों का री एग्जाम होने वाला है। जिन बच्चों ने केवल फॉर्म भर रखकर एग्जाम को पहले जो एग्जाम डेट थी उसमें आपने एग्जाम को अटेंड नहीं किया तो वो बच्चे जो री एग्जाम होगा उनका री एग्जाम नहीं होगा, वो बच्चे री एग्जाम को नहीं अटेंड कर पाएंगे। यानी कि पहले जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उन्हीं बच्चों का दोबारा से री एग्जाम होने वाला है। री एग्जाम का सिलेबस सेम वही रहने वाला है जो पहले इनकी तरफ से जो 100 नंबर वाला एग्जाम पैटर्न था ठीक वही होने वाला है। उसके बाद में इनकी तरफ से उसी नोटिफिकेशन के अंदर एक चीज और दे रखी है दोस्तों, टायर 2 एग्जाम के बारे में इन्होंने बता रखा है। इन्होंने लिखा है भी टायर 2 एग्जाम करवाने के बारे में विभाग स्वतंत्र है, इसके बारे में विचार कर सकता है, यानी कि अभी तक श्योर नहीं है लेकिन डिपार्टमेंट चाहे तो टायर 2 एग्जाम भी ये करवा सकते हैं। अब देखिए बात यह कि टायर 2 एग्जाम किन का होने वाला है। अब ऐसा है क्या कि सर जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दिया जिनको पास किया गया उनका टायर 2 होगा या फिर सबका टायर 2 होगा, इस प्रकार के कई डाउट आते हैं इनको निकल के। तो देखिए जो पहले एग्जाम हुआ है ना तो उसको तो पूर्ण रूप से इन्होंने कैंसिल ही कर दिया है। उन बच्चों पे ऐसा नहीं कि उन बच्चों पे टायर 2 एग्जाम करवाएंगे उसमें से उन बच्चों में से फाइनल सिलेक्शन करेंगे टायर 2 के माध्यम से, ऐसा नहीं है। अगर टायर 2 एग्जाम होता है ना तो इनकी तरफ से जो री एग्जाम करवाया जाएगा और इस री एग्जाम की मेरिट में जो बच्चे आने वाले हैं उनके लिए टायर 2 एग्जाम करवाने के बारे में विभाग विचार कर सकते हैं, हालांकि अभी तक ये फाइनल नहीं है। यानी कि आपका री एग्जाम होगा वो री एग्जाम का पेपर पैटर्न और जो सिलेबस है जो पहले था उसी के आधार पे होने वाला है, उन्हीं चीजों को आपको तैयार करना है। उसके बाद में सर री एग्जाम कब तक होने वाला है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अलग अलग विभागों की अलग अलग नौकरियों के लिए आवेदन कर रखे होंगे। देखिए भाई यूट्यूब पे इस चीज के बारे में आपको बहुत सारी वीडियोज मिलेंगे और ज्यादातर जो लोग हैं आपको यही बताएंगे भी महीने भर के अंदर एग्जाम हो सकता है, 1.5 महीने के अंदर एग्जाम हो सकता है, एग्जाम बहुत जल्दी होगा। क्योंकि एग्जाम अगर जल्दी बताते हैं तो उनके चाहे कोर्स की बात कर ले चाहे टेस्ट सीरीज की बात कर ले सारी चीजें जल्दी जल्दी निकलती है। लेकिन मैं आपको पूरे जेन्युइन तरीके से और ऑथेंटिक तरीके से मैं अपने हिसाब से आपको चीजें बता रहा हूं। ये इस प्रकार का डिपार्टमेंट है 2-3 महीने तक तो मतलब क्या कि इनको होश ही नहीं आता इन चीजों को लेकर के। 2016 की भर्ती थी उसका एग्जाम इन्होंने करवाया 2018 में, 2021 की भर्ती थी उसका एग्जाम इन्होंने करवाया 2022 में और 2022 के अंदर जो एग्जाम हुआ उस एग्जाम को कैंसिल करते हुए इनको 1 साल का टाइम लग गया। तो 2-3 महीने में एग्जाम करवा लेंगे ऐसी उम्मीद मेरे को तो इस डिपार्टमेंट से नहीं है। जिन बच्चों ने दूसरी भर्तियों के लिए आवेदन कर रखकर एग्जाम डेट आ चुकी है यानी कि महीने भर का, 20 दिन का, 2 महीने का, यानी कि अप्रैल और मई में अगर आपका किसी दूसरे डिपार्टमेंट का एग्जाम होने वाला है और एग्जाम डेट आ चुकी है तो पहले आप उसकी तैयारी कर लीजिए। इनकी तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट है वो री एग्जाम के बारे में आई नहीं है, एग्जाम डेट के बारे में इन्होंने नहीं बता रखा है और मेरे हिसाब से आने वाले 2-3 महीने इस डेट के अंदर इस टाइम पे
पीरियड के अंदर, तो इनकी तरफ से मेरे हिसाब से एग्जाम डेट है वो भी डिक्लेयर करना काफ़ी मुश्किल है। मेरे हिसाब से इनको एग्जाम करवाने में 4-5 महीने 6 महीने तक का टाइम लग सकता है। तो आगे आने वाले यानी कि अप्रैल और मई में आपका कोई दूसरा एग्जाम है, आपने फॉर्म भर रखा है, उसकी एग्जाम डेट आ गई है, तो पहले आपको उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।